हेलो एवरीवन, केमिति अच्छे समस्ते? आशा करछु समस्ते भले थिबे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे पियाजेट करो तांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उपरे डिस्कशन करथिले। आज आउ किछु इटा बाकी रे जेतला पियाजेट करो थ्योरी रे, तो आमे सेकंड ए वीडियो रे आमे तांकर अंडरस्टैंडिंग द फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उपरे डिस्कशन करिबा। तो पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस को फोर कैटेगराइज कराइतला, जोटा कि प्रथम हूँ सेंसोरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल, लास्ट वन इज फॉर्मर ऑपरेशनल। तो आसतु विविडली डिस्कसन करवा चारोटी स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट चारोटी स्टेजेस उपरे, आउ से स्टेजेस रे पिला भितरे कौन कौन क्राइटेरिया, पिला भितरे कौन कौन नेचर डेवलप हुए, से सब उपरे मध्ये डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट वन इज सेंसोरी मोटर स्टेज, जोटा कि फर्स्ट टू इयर्स भितर स्टार्ट होता है। सेंसोरी मोटर स्टेज फ्रॉम बर्थ टू टू इयर्स, और आम कहीपर बर्न गोटे न्यूबर्न बेबी जन्म है, तो सेठू आम जदि डेट हिसाब करवा तो सेठू दि वर्ष पर्यंत सेंसोरी मोटर स्टेज पीरियड टी रही था। तो यहाँ कंबाइन्स करे आपणकर बोथ सेंसेस एंड मोटर स्किल। सेंसेस मीन्स आपणकर सेन्स अर्गान गुड़िक रही, मोटर स्किल आम जदि कह मोटर स्किल कहले कौन बुझे ना, देखु मोटर स्किल जमीका कि दुई टाइप्स विभक्त करा जाए, गोटे फाइन मोटर ग्रॉस मोटर। तो मोटर स्किल जदि आम कह तो मोटर स्किल सी गोटे पिलार सी हाथ गोड़ हो किंबा आर्म हो पिला तार फिंगर्स रे हो जहाँ भी किछु गुटे काम करे कार्य करे, तो तार कार्य करिबार एबिलिटी से सब मोटर स्किल इनक्लूड रे जाए। तो मोटर स्किल को आम टिके विविडली टिके बुझीदबा, देन आम टॉपिक भितर भल से जीवा जी मोटर स्किल दुई टाइप्स रे रही, जोटा कि फर्स्ट हला ग्रोस मोटर, देन फाइन मोटर। मुई सेंसोरी मोटर पीरियड ये सब सरला मुझको मोटर स्किल कह कि समय पर कह, तो यटा को गोटे पॉइंट करके रखा हाइलाइटेड के करके रखा अलग कलर रे हाइलाइट करके रखा, ये भी भारी इंपोर्टेंट मोटर स्किल एग्जाम ओरिएंटेड। देखो सब जिनस आम एग्जाम ओरिएंटेड तो जान लें, बाकी किसी जिनस भी आमको एक्नॉलेज करने को पड़ा, ये आमको जानवर अच्छी जदि आम जाना बहुत किसी जिनस तो सही तो शिक्षा अर्जन करवा ना, आदि जानवा शिखा ताहले आम प्राक्टिकाल लाइफ आम लगे पार। शिक्षा से नुहे जे आम पुस्तक रू जहाँ पढ़ु, शिक्षा या जे आम आउटर वर्ल्ड रू जो शिखि पारे जापे अभि मानने आहरण कर पारे से जो ज्ञान को आउ टेक्स्ट बुक सहित भी आम प्राक्टिकाल लाइफ केनियोग करे प्रकृत शिक्षा। आ शिक्षा को आम जहाँ भी पढ़ले निज लाइफ जिते पर्यंत आम निजे न लगे पारे से पर्यंत से शिक्षार मूल्य ना। तो आसतु सेंसोरी मोटर आउ कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करवा, जोटा कि हूँ चाइल्ड्स थिंकिंग रे इनवॉल्व हो कौन ना देखा शुणा मूविंग मेन्स आपणकर जहाँ भी पिला मूव करूँगी तार गोटे स्थान रु आ गोटे स्थान को सपोज मूव कला, तो पिलार थिंकिंग भितर इनवल्वस है यू जिन टचिंग किसी जिन टच करवा टेस्टिंग खाइबा यू जिन सो जहाँ भी हो यू जिन सेंसोरी मोटर स्टेज भितर जाऊँगी। देन आउ किसी पॉइंट देखा जोटा कि हूँ से मैंने ओन फिजिकाल मोटर स्किल को डेवलप करी ओन से यूज करती मोटर स्किल, जोटा कि मुझे मोटर स्किल अलरेडी जोटा से हाथ गोड़ हो कि फिंगर्स हो सब जिन यूज करेवलप करती कौन ना कग्नेटिव स्किल। कग्नेटिव स्किल कहले कौन बुझे ना से बेटर अंडरस्टैंडिंग से इंटेलीजेंस पावर बढ़ावाई कि मानसिक दक्षता बढ़ावाई से निजर फिजिकाल हो हाथ गोड़ ये सब जिन मोटर स्किल हो सब ये सब गोटे जिनस गोटे पॉइंट मोटर स्किल कि फिजिकाल अर्गान को से माने यूज कॉग्निटिव स्किल डेवलप करती, जोटा कि डेवलप करके निजर वर्ल्ड तैयारी करती। आउ
क्यारेक्टराइज कराई जोटा कि इट इज क्यारेक्टराइज बाय द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन जोटा कि रिफ्लेक्स एक्शन जदि आम कह जेकोसी देखूँ आपणकर हाथ में मशा बसुच्छी तो आपत सांगे सांग मस्तिष्क को आपणकर ज्ञान बार्ता चली जाऊँगी मेसेंजर थ्रो रे जे से मशा बसची तो मार हाथ द्वारा आम मारूचे रिफ्लेक्सिव अर्गान किए ना आउटे हाथ गोटे हाथ में जब मशा बसला कि कौन सी अर्गान पर मशा बसला मस्किटो जब बसला तो आप आउटे हाथ में बाड़े दौंट दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शंस आपणकर मस्तिष्क को बार्ता प्रेरण होगापर से मस्तिष्क बार्ता जाकि रिफ्लेक्स अर्गान थ्रो रे से कौन गोटे एक्शन करुच्चे देन से एटा मध्य कैरेक्टराइज होता है गोटे इनफैंट्स जदि कह इनफैंट्स मीनस गोटे जीरो टू टू इयर्स गोटे फास्ट टू इयर्स थ्री इयर्स भितर गोटे पिला भितर छोट मैं किड पिला कथा कहूँ जेहेतु तो भितर गोटे कैरेक्टराइज होता है तो से जापारती कि गोटे अनुभव करपारती फिल करते सेनसेसन डेभलप हुए सेन्स अर्गान आस्ते 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 डेभलप हुए से बेलू जापारे फिल करते जब बाड़े कांदे धमकैले से सांगे सांग जदि कि पिला को देखिथे दाढ़ी हवा आसे जदि कि दाढ़ी फाड़ी रखे आसे तो पिला डरी जाती कहीं पिला भितर गोटे आस्ते आस्ते सी मानने अच्छी ना बारी निए अरे कि ये तो मोर फैमिली मेम्बर्स नुहंती बाबा माँ तो नुहंती तो सी तार निजस्व फैमिली मेम्बर्स सहित सी कनेक्ट होता सहित सी एडाप्टेशन एडाप्ट करके रही है तो नुआ कि गोटे देखिए सांगे सांग सी एडाप्ट करना ओके देन देखिबा प्री ऑपरेशनल स्टेज आपणकर टू इयर्स टू सेवेन इयर्स भी रोहे जोटा कि दुई वर्ष रु सात वर्ष भितर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है एवं यह प्री ऑपरेशनल थॉट पूर्वर मध्य पीरियड टी डेवलप होता है कौटा ना आपणकर प्री ऑपरेशनल स्टेज से कहुई दिस पीरियड हैपेन्स बिफोर प्री ऑपरेशनल बिफोर ऑपरेशनल थॉट इज डेवलप तो यहाँ अलरेडी आपणकर प्री ऑपरेशनल स्टेज टी आपको सही था अलरेडी कहा पूर्वर ना ऑपरेशनल थॉट आसवा पूर्व डेवलप होगा पूर्व प्री ऑपरेशनल स्टेज टी आसी आम कहीपर इगो सेंट्रिक स्टेज सो प्री ऑपरेशनल स्टेज इज अदरवाइज नोन एज इगो सेंट्रिक स्टेज देन देखिबा पॉइंट प्री ऑपरेशनल स्टेज रो तो पिला कौन हुए ना आस्ते आस्ते से सिंबॉलिक फॉर्म गोटे ऑब्जेक्ट रो सिंबॉलिक फॉर्म उपरे भाव्य को स्टार्ट कर दिए किसी जदि से ऑब्जेक्ट देखे जदि से मोबाइल देखी थ तो से जदि किसी तार छवि बुक रे तार बही रे जदि से लोगो थ पिक्चर बुक रे जदि से देखी थ गोटे मोबाइल लोगो देखी थ देन सी जानी नब दिस इज ऑल्सो मोबाइल तो व्हाट आई हैव सीन बिफोर तो जो पूर्वर देखी जो मोबाइल से देन से भाविदेव अच्छा मु तो यही एंड्रॉइड फोन टा देखी थी ना तो सी कनेक्ट करदेव सांगे सांग माइंड रे से कनेक्टिव एबिलिटी डेवलप हो आस्ते आस्ते से कनेक्ट रिलेट करी पारो तो आम जब कनेक्ट वर्ड रु छाड़ी आम जब रिप्लेस करके रिलेट वर्ड लगेदे तो आमको मोर सुइटेबल लगे मोर कन्वीनियंट लगे देन आसतु देखा पिला भितर आस्ते 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 स्वल्प भाव में लॉजिकल थिंकिंग आउर जो थॉट्स आस्ते आस्ते डेवलप हो जाता है कि बास्तवतार लॉजिक न था इलॉजिकल था कि पिला भितर आस्ते आस्ते से लॉजिक को बुझीनिए तो से छोटो छोटो जिनस को पजल कि छोटो छोटो मैथमेटिक्स जदि भी करी नौची तो सी भावुत येस आई कैन डू येस आई ओनली कैन डू मुझे जिनसटा करूँ मुवल ये जिनसटा करें तो भितर से टे लॉजिकल एबिलिटी आसी जा छोट छोट लॉजिक कर पार आउ देन से किटा पजल्स हाउ किटा डिलेमेटिक किटा पजल्स किंबा सुडोको ये सब जिनस किंबा वीडियो गेम्स हो मोबाइल से सब जिनस किटा से कर लॉजिकल थिंकिंग यूज करके किंतु हमें जदि कह प्री ऑपरेशनल थिंकिंग इज यूजुअली इलॉजिकल प्री ऑपरेशनल थिंकिंग टा यूजुअली जदि आम देखा सीटाला इलॉजिकल सेन्स कौन पर आसतु मुझे एग्जांपल दूसरी फॉर एग्जांपल ओके फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड थिंक्स दैट ए टॉल नैरो ग्लास हैज मोर वाटर देन ए शॉर्ट वाइडर ग्लास
जस्ट बेस्ड ऑन द लुक्स ऑफ इट, इवन इफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज द ओके 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 मुटा को क्लिक करके जेहेतु पढ़ुची तो मत टे पढ़ा अड फिल हो तो मुझे बर्तमान आउ थे पढ़ी दौर रिड कर दौर जिनसा को फर एक्जाम्पल ए चाइल्ड थिंक्स दैट ए टॉल नेरो ग्लास हाज मोर वाटर देन ए शॉर्ट वाइडर ग्लास जस्ट बेस्ड ऑन द लुक्स ऑफ इट इवेन इफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज द सेम इन रियलिटी ओके सो देखु देखो गोटे जिनसा ये कौन ना पिला भितर गोटे कौतूहल जिनस गोटे आम जब मार्क करवा आम बर्तमान देखने जापर जे कौटी पानी अधिक अच्छी कौटी पानी कम अच्छी जदि गोटे बिकर में जब पानी रखाई थी आम देखने जापर जी ट्रांसपेरेंट बिकर हो तो सिमिलरली मुझे गोटे एग्जांपल से एग्जांपल टे नहीं दुईटा ग्लास नवा प्रथम प्रथम ग्लासटा कौन रखा ना टे ग्लासटा टे लंबा रखा सैज्रे टे बड़ रखा लंबा रखा आउे नेरो जदि कह तो टे सरुआ रखा पतला रखा से रखा आउ गोटे रखा ग्लासटे सिमिलरली इन कंपैरिजन जदि देखा आउ गोटे ग्लासटे रखा से ग्लासटा टे अपेक्षाकृत छोट रखा सैज्रे छोट रु तार टे वाइडर रेपटा वाइडर रे ब्रॉड सेप रोटा टे रेन पा कौन कर ना से कन्फ्यूजन रही से भाव जे ना लंबा जो ग्लासटा अच्छे से अधिका पानी अच्छी वाइडर में कम पा अच्छी किंबाता से डिफरेन्ट टाइप रिंकिंग बाहर से भाव ना 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 हे तो सी भाव एमतीका जे ना ना एमतीका नुह लंबार नुह जोटा छोट अच्छे जोटा मोटे अधिका अच्छी बड़ अच्छे से पानी अधिक अच्छी तो भितर डिफरेन्ट थिंकिंग आसीज तो कहीं ना से जस्ट बेस्ड ऑन द लुक्स ऑफ इट तार जो शेप आउ लुक्स रु पिला स्टार्ट करिब डिफरेन्ट थिंकिंग ताको भाविब जे कौन थे पानी अधिक अच्छी से संगे संग आइडेंटिफाई करि परिबो नै किंतु वास्तव में जदि देखिबा इवन इफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर वाटर इज द सेम इन रियलिटी तो रियलिटी रे जदि देखिबा ताहले दुईटा वाटर रो वॉल्यूम सेम रहितबो तो वाटर रो तो वॉल्यूम ही कैलकुलेट करा जाय ना तो वाटर रो वॉल्यूम ही दुईटा रो सेम थिबो एठी जति कि पानी रखाइजे सेठी सेति कि पानी रखाइतबो टल नेरो ग्लास रे जति कि पानी अछि वाइडर शॉर्ट ग्लास रे सेति कि पानी अछि किंतु तार जो लुक्स आ शेप पई सेटा डिफॉल्ट लागुथबो डिफरेंट लागुथबो ओके सो नेक्स्ट जीवा तीन नंबर को फर्स्ट आम पढ़ते सेंसरी मोटर देन ऑपरेशनल तीन नंबर को आसे वर्तमान कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज सो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जदि देखिबा कंक्रीट मीन्स फर्स्ट हमको देखिबा पड़िबो व्हाट डू मीन बाय कंक्रीट तो कंक्रीट मीन्स रियल जोटा वास्तव और टेंजिबल टेंजिबल जदि कहिबा तले सेटा ला क्लियरली सीन और क्लियरली विजिबल जोटा को आम विजिबल आम को ठीक से देखा जाउथबो क्लियर एंड क्रिस्टल देखा जाउथबो पूरा क्लियरली देखा जाउथबो सेटा ला कंक्रीट जदि देखिबा एटा को कोन कह जाए ना स्टेज ऑफ हैंड्स ऑन थिंकिंग नॉट हैंडसम हैंड्स ऑन थिंकिंग हैंड्स ऑन मीन जदि कहिबा गुडे प्रोवाइड करिया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गोटे प्राक्टिकाल एक्सपीरियंस ये जो थिंकिंगटा तो सेटा को आम कह स्टेज ऑफ हैंड्स ऑन थिंकिंग एवं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कौन हुए एक्चुअली ना पिला भितरे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है पिला गोटे लॉजिक सेन्स भाविया को स्टार्ट कर दिए आ पिला भितरे एबिलिटी रुहे कौन ना सल्व करने कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री बेसिक एस्पेक्ट्स तो ये कौन हुए टे देखा ना यहाँ है कंक्रीट मीन्स रियल और टेंजिबल टेंजिबल अलरेडी मुझे मेनसन कली जी क्लीयरली सीन क्लीयरली भिजिबल देखा जा क्लीयरली स्टेज को आउ कौन कहा जाए ना हैंडस ऑन थिंकिंग द स्टेज ऑफ हैंडस ऑन थिंकिंग देन लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे देन स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स कहा ऊपर ना डिपेंड्स ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग
रिजनिंग रो तीनोटा बेस तीनोटी बेसिक एक्सपेक्ट्स को बुझी कि पिल्ला सॉल्व करे ता भितरे सेमती गोटे एबिलिटी आसी जाए से कंजर्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करे ठीक क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिया को ता भितरे दक्षता आसी जाय थे जे तीनोटी कोन रहिला बेसिक एक्सपेक्ट्स ऑफ रीजनिंग द फर्स्ट इज आइडेंटिटी देन कंपेंसेशन आइडेंटिटी हमें जानी छु आइडेंटिटी ता भितरे गोटे से रीजनिंग रो आइडेंटिटी जानी पारतो ठाबो करि पारतो कोनटी कोन हला देन कंपेंसेशन मींस सी कंपेंसेशन मीन्स में कहिबा जदि करेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक डिफेक्ट और ऑर्गेनिक लॉस और ऑर्गेनिक डिफेक्ट तो किछि जदि जगह रे लॉस होइतिबो ऑर्गेनिक डिफेक्ट किछि उडे जदि त्रुटि होइतिबो से सदा को करेक्ट करि परिबो रीजनिंग ना तो सब जगह रे तो ठीक न थाय कोडी एरर थाय तो ताकु पिला लॉजिकली ताकु देखि कि सॉल्व करि परिबो से कंजर्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबो ता भितरे सेमति का एबिलिटी आसी जायते जोटा कि गोटे पार्ट ऑफ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग देन देखिबा रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी माने सपोज एग्जांपल देबी फ्रॉम 1 टू 10 पिला भितरे एंती का क्वालिटी आसी जाइथबो पिला भितरे एंती का एबिलिटी आसीथबो फ्रॉम 10 टू 1 सी सिक्वेंसली 10 9 8 7 6 तो सी ताको सही रेंज रे अरेंज रे से ताको कही पारिबो ता भितरे रीजनिंग एबिलिटी आसीथबो त मु आपन को एग्जांपल देली एटा नहु जे रीजनिंग रे तो गोडाय प्रॉब्लम आसी थाय ना न्यूमेरिकल्स गोडाय थाय तो रीजनिंग रे सी ई टाइप रो ए एग्जांपल फॉर एग्जांपल टाइप रो सी निजो को रेक्टिफाई करिनिए जिनसर रीजनिंग जिनस अछि जोड त्रुटि थाय से ताको रेक्टिफाई करनी तो ता भितरे सही सॉल्व करिवार गुडे कंजर्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व करिवा भितरे करिवार ता भितरे गुडे एबिलिटी आसी जायथाय देन देखिबा चिल्ड्रेन नीड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स टू डेमोंस्ट्रेट एंड टू रीच कंक्लूजन पिला भीतर पिला नीड करे कोन ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स मींस किछि गुडे ता भीतर लॉजिक कोनसे ऑब्जेक्ट्स थिबो लॉजिक ता भीतर लॉजिक थिबो किबा जेमति कह देखंतु पजल हो मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो ब्लॉक्स हो किछिटा ब्लॉक्स गेम हो बी एनी गेम माने तो नहु है जे सब गेम तो आमे कहि परिबान जे मोबाइल गेम किछि भी गेम्स रहउची जोटा कि आपनकर जोटा कि ब्लॉक्स हुए किंबा पजल्स किंबा जदि देखिबा डाइस आउ जदि देखिबा क्यूब जो पिला जो क्यूब सॉल्व करे तो ए सब जिंस से कंक्रीट ऑब्जेक्ट से आवश्यक करे ताको डेमोंस्ट्रेट करे ता भितरे तन्न तन्न एनालिटिकली से बुझिबा को चेष्टा करे ता भितरे कोन रहिला एवं से शेषरे टू रीच कंक्लूजन एवं शेषरे से कंक्लूजन रे पहुंचे तो पिल ए सब कोन पई होउछे इट इज ओनली ड्यू टू द क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स और क्यूरियोसिटी अमंग द चिल्ड्रन तो पिल्ला देखों तो पिल्ला भितरे बहुत क्यूरियोसिटी था पिल्ला सब पिल्ला को आमे जिमितिका गढिबा पिल्ला सेमितिका होबे तो पिल्ला सब पिल्ला भितरे उडी क्यूरियोसिटी था तो एज ए टीचर एज ए पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबा दरकार जे समस्त तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि नो डाउट किंतु हमर रेस्पॉन्सिबिलिटी ए भी हवा दरकार जे पिल्ला को सटीक मार्क सटीक डायरेक्शन दबा जे ता से ओन जे डायरेक्शन ता ठीक देले आ ता पिल्ला भितरे उडी अप्रोच ठीक आनिबा जे पिल्ला जदि कहूछि जदि बारंबार मु एटा करि पानी मु एटा करि पानी तो ताकु सही जगह रे कहिबा दरकार बाबा रे तू ए जिंसटा करि पानु बोली कहना तो जिनस ट्राई कर करिया पई कोनोसी जिनस स्टार्टिंग रो केबे डिफिकल्ट हे नथाय स्टार्टिंग रो हां कोनोसी जिनस स्टार्टिंग रो केबे इजी हे नथाय तो ताकु आस्ते आस्ते इजी बनेवा को हुए आ कोनोसी जिनस स्टार्टिंग रो केबे आमे स्मार्ट वर्क करूना स्टार्टिंग रो हार्ड वर्क करियो पड़े हार्ड वर्क करते 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 आमा भितरे गुडे क्वालिटी डेवलप हुए गुडे टैलेंट डेवलप हुए जोटा कि आमे स्मूथली और स्मार्ट वर्क जोटा कहबा स्मार्ट वर्क वे रे करि पारिबा तो पिला नीड करे कौन ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स ताकु ने के डेमोंस्ट्रेट करे देन से गुडे कंक्लूजन रे पहुंचे फाइनली से गुडे कंक्लूजन रे पहुंचे एग्जांपल गुडे दबा एग्जांपल कौन रहइबो नाउ वी कैन फाइंड चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स एंड फिंगर्स देखों दो तो हमें देखि परबा पिला भितरे कौन ना पिला से स्टेज रे जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिला सॉल्व करि पारथु मैथमेटिक्स क्वेश्चन को
କାହା ହେଲ୍ପରେ ନା ବ୍ଲକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର୍ସ ହଉ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ସରେ ହଉ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଥିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ କିମ୍ବା ରିଜନିଂ ଯଦି ଦେଖିବା ରିଜନିଂ ତ ସେତେବେଳେ ନଥାଏ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରିଜନିଂ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଆଯାଏ ତ ସେମାନେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଜନିଂ ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ସେଇ ୱେରେ ସବୁ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି 12 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ କହିପାରିବା ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ଅର୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଏଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଏଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ପିଲା ଭିତରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ ଆସି ଏଇଟା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥଟ୍ ପିଲା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲି ଭାବେ ମାନେ ଏତେ ଡେପ୍ଥଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାବେ ସେଇଟା ସହଜରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବିପାରିବନି ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଆମେ ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଏଜ୍ରେ ପିଲା ସେତିକି ଭାବିପାରିବନି ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲା ପହଞ୍ଚେ ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 12 ଆଉ ଅର୍ ଦ ଏବଭ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 12 ତ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ସ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରେ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍ସ ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ପିଲା ଯେମିତିକା ହେବ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଲା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟିନ୍ ଇୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ଟିନ୍ ଏଜର୍ ବି କହିପାରିବା ଏଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ ଦ ପିରିୟଡ଼୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଟିନ୍ ଏଜ୍ରୁ ପିଲା ଯେମିତିକା ହେବ ପିଲାର ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ସେମିତିକା ହେବ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଏଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ କାହିଁକି ନା ଏଡୋଲୋସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ପିଲା ଯେମିତିକା ହେଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ପିଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତିକା ପିଲା ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କେମିତିକା ରଖୁଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ପିଲା ତ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି ପିଲାକୁ ସଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପିଲା ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ ସଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା କମ୍ୟୁନିଟି ସେମିତିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ ପିଲା ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ଯେଉଁ ସଙ୍ଘମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର ଯଦି କୁସଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବି ରହିବା ଦରକାର ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଇଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଜଣ ତ ମାନେ ଟିକେ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କିଛି ସାଙ୍ଗ ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନା କରିବେନି ଯେ ତୁ ଇଏ ସହିତ ମିଶିବେ ନା ସେମିତିକା ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ଇଏ ଖରାପ ଇଏ ଭଲ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆପଣାଇବ ତ ପିଲା ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର ମୋରାଲିଟି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଲବର୍ କହିଥିଲେ ନା ମୋରାଲିଟି ମୋରାଲ ଡିଲେମା ଥିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ଡିଲେମା ଆସିବ ଯଦି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଭାବିପାରୁଥିବ ହଁ ଇଏ ତ ସାଙ୍ଗଟା ଆମର ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ତା'ର କିଛିଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଭଲ ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ମିଶିବ ଲିମିଟ୍ଠୁ ଅଧିକା ମିଶିବନି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମିଶିଲା ତ ସେ ଯଦି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛି ଆର ସାଙ୍ଗଟିଏ ତ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଆପଣାଇବନି କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମୋରାଲ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ନା ମୋରାଲିଟିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ ଆସିବ ସେଇ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ ବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବା ଭିତରେ ସିଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଆପଣାଇବା ଭିତରେ ସିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ବାସ୍ତବତାରେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ରିଏଲିଟି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ବାସ୍ତବତାରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ୍ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାପାସିଟି ଆସିଯାଇଥିବ ତ ସେଇପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଦ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍ସ ତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ନିଜେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ ତ ନିଜେ ବି ବହି ଲେଖିଦେବା ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ତ ବହିରୁ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବହିକୁ ବି ସେମିତିକା ପେସେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନୁହଁ କି ଆଚ୍ଛା ତ
तो चिल्ड्रेन बिकम मोर केपेबल ऑफ डीलिंग विथ कम्प्लेक्स इश्यूज जोटा कि कम्प्लेक्स इश्यू कह डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देन इन प्रीवियस स्टेज देखो पिला जिते प्री चाइल्डहुड स्टेज बा इनफान्सी तो छाड़त इनफान्सी पीरियड रे पिला तो केवी एत भाभी पारे कहीं तार से सेन्स ऑर्गन ही डेवलप ही नाइए एत आस्ते आस्ते कहीं बेलू जस्ट दी तीन टा वार्ड कह स्टार्ट करे मामा पापा दादा जदि कह भाई जदि कह तो कह ना तो दीटा रु अधिक से वार्ड कही पारे ना हाँ गोटे वर्ष पर जितेबाला देढ़ वर्ष बयस आस्ते आस्ते हो जाए तो से भितर गोटे भोकाबुलरी आस्ते आस्ते डेवलप हुए भोकाबुलरी स्किल तो से चार पाँचटा सात आठटा वार्ड पुणी तापर से दु वर्ष बेलू कह पारे कह शिखे तो पिला जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे जो बार वर्ष बयस होगा पिला भितर गोटे डील कर डिलिंग करार कैपासीटी आस गए कम्प्लेक्स सिचुएसन जोटा डिफिकल्ट प्रोब्लेम हो कम्प्लेक्स इश्यू हो आउे सल्व करवा कि डील करवा सी सक्षम होता है कहींपर सक्षम होता है जोड़ा कि प्रीवियस स्टेज रे से न था से सो केपेबल ऑफ डीलिंग विथ कम्प्लेक्स इश्यूज जोटा को मु तार कम्प्लेक्स इश्यू जोड़ा ब्रेकेट रे लिखी आपणकर जोड़ा डिफिकल्ट आपन को लगे सी तार किछटा डिफिकल्ट वर्ड किंबा डिफिकल्ट सेंटेंस रोचे ताको टिके सिंपल वे रे लिखी आउ जोड़ा डिफिकल्ट वर्ड रोचे ताको तार लिखी भी देजी मीनिंगटा कौन आम ताको इजिली जानी परिबा बुझी परिबा देन आसीबा आ गोटे पॉइंट ये तो चली गला अच्छा या पूर्वर मु आपन को आ गोटे कथा कहि रखुचे जोड़ा मु कहि दिली ऑलरेडी जे मोटर स्किल कथा तो मोटर स्किल कथा वर्तमान टिके पढ़ीद देन पियाजेट्स कर आईटा तार आस चार्टा पुणी आगे थीअरी भितर चारिटा पुणी इनक्लूड हो फैक्टर्स तो ताको जीवा पूर्व टिके मोटर स्किल बुझीजे ओके सो मोटर स्किल इज डिवाइडेड इनटू और क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स दैट इज फाइन मोटर एंड क्रॉस मोटर सो वर्तमान देखिबा फाइन मोटर देखंतु फाइन मोटर जदि कहिबा सेठी कोन होतबो ना स्मॉलर मसल मूवमेंट करतबो छोटो छोटो मसल मूवमेंट करतबो जिमतिके कि पिला सेते बेड़ को तार फिंगर्स हो किंबा लिप्स थ्रो रे हो किंबा टंग थ्रो रे हो किंबा टोस थ्रो रे हो से छोटो छोटो मसल मूवमेंट करि पारथबो मसल मूवमेंट करि के कोन करि पारथबो ना सपोज से लेखि पारथबो नहले किछिटा जदि कहिबा होल्डिंग पैन पेन धरि पारथबो किंबा ओपनिंग लंच बॉक्स तार जदि खाद्य से खाउची स्कूल को नैछि त लंच बॉक्स ओपन करि पारथबो किंबा से किछिटा एडी देखंतु खेल किछिटा जो गेम्स रोचे ताको से फिंगर्स थ्रो रे से करी पारतो स्मूथ स्मूथ जिनस गुड़िक से करी पारिबो तार एटी छोटो छोटो मसल मूवमेंट हबो हाथ हो छोटो छोटो किंबा तार टंग हो से सब को यूज करके छोटो छोटो से काम करी पारिबो सेटा जाउची आपनकर फाइन मोटर रे एटी पिला कोन करूची ना छोटो छोटो से जो गेम रो कोन अछि ताको कहि पारिबेनी बाकी ताको ने की से भितरे जोड़ा अबाकस टाइप रे रोच जिनसा से करुचे फास्ट ड्रॉइंग एटा जो कौच ओके देन एठी तीन टा पिला अच्छे से माने सब कि गोटे दिखाई कि गोटे उठेल देखिए पिला उठे पार के हाथ में उठाऊ तो ये तो गोटे हाथ में उठे देखेदे बाबा ये कौन कर ये दी हाथ उठे दी हाथ में जहाँ जीत पार्टी उठे सी भारी खुशी अच्छे तो ये कौन अच्छी ना ये छुआ तार भारी खुशी अच्छी जे मु सब जाबुड़ी धरनी तले पकईदे देमी ना तो सब उठे या भितर कंपिटेटिव स्पिरीट अच्छी जना पड़ चु देखिकी ये बाबा जहाँ अच्छे पाखे सी लाइफ संतुष्ट ता आखिर जना पड़े देखो ता आखि आई सैट रू ये जना पड़े ता पाखे जहाँ अच्छे से भारी खुशी अच्छे सी अधिक रु एक्सपेक्टेसन अधिक रखुना कहीं आवश्यक ठार अधिक रखिले
ସେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଇଠି ତ ଅନହାପିନେସ୍ ଆସିବ ନା, ସେଇଠି ତ ସ୍ୟାଡ୍ ଆସିବ ନା, ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତ ସେ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ଇଏ ପିଲା ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତାର ଯାହା ପାରୁଛି ସେତିକି ଉଠେଇ ପାରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଏବିଲିଟି ଅଛି ସେତିକି, ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଏବିଲିଟି ଅଛି ସେତିକିରେ ବେଶୀ ଖୁସି। ଇଏ କ'ଣ ନା, ୟା ଭିତରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଠେଇବାକୁ, ହେଲା। ତ ୟା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ୟା ପାଖରେ ତଥାପି ଅଛି ବି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ଇଏ ଯାହା ଗୋଟେ ହାତରୁ ଉଠେଇଛି, ତ ଏଠି ତ କହିପାରିବନି କାହାକୁ କେତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମେନସନ୍ ତ କରାଯାଇନି ସେଦିଆ। ବାକି ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଟିକେ ଟପିକ୍ରୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ଜିନିଷଟା ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓକେ, ସୋ ଫାଇନ୍ ମଟରରେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଭାବେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରସ୍ ମଟରକୁ ଯିବା। ଓକେ, ସୋ ଗ୍ରସ୍ ମଟରରେ କ'ଣ ନା, ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ପିଲାର ଫିଜିକାଲ ଏବିଲିଟି ହେଉଛି ପୁରା ଭଲସେ, ପିଲା ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସେ ଭଲସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯଦି କହିବା ବିଗର୍ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତ ତାର ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତାର ଆର୍ମସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି ଏଠି। ସେ ବିଗର୍ ମସଲ୍ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହଉ କିମ୍ବା ନୋଜ୍, ନୋଜ୍ରେ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍ଗରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଟଙ୍ଗରେ ହଉ ଟୋଜ୍ରେ ହଉ, ସେସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନ୍ ମଟର। ବା ଗ୍ରୋସ୍ ମଟରରେ କ'ଣ ନା, ବିଗର୍ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତ କହିଲି, ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେବ ଲେଗ୍ସ, ଫିଟ୍, ଆର୍ମସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରୋସ୍ ମଟରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଗେମ୍ ରହୁଛି, ତ ସିଏ ସେ ଗେମ୍ଟି ଖେଳୁଛି, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲାଟା ଆମେ କହିବା ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, ତ ଫରେନ୍ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା, ତ ପ୍ରପର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ତ କରିହେଉନି ଏଇଟା କ'ଣ ଗେମ୍। ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଏ ତାର ପ୍ରପର୍ଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ତାର ପ୍ରପର୍ଲି ବଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଗର୍ ମସଲ୍ ଗନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ସେ ଖେଳଟି ଖେଳିପାରୁଛି। ଆଉ ୟା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇପାରିବା ଗ୍ରୋସ୍ ମଟର୍ରେ, ରନିଂ ହଉ କିମ୍ବା ଜମ୍ପିଂ ହଉ, କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ହଉ, ୱାକିଂ ହଉ, ତ ଖେଳିବା, ଦୌଡ଼ିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା ହଉ କିମ୍ବା ଜମ୍ପିଂ କରିବା, ଡିଆଁ ମାରିବା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରସ୍ ମଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ, ଗ୍ରସ୍ ମଟରରେ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମଟର ସ୍କିଲ୍ ହେଇଛି, ମଟର ସ୍କିଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି ରହିଲା ପିଏଚ୍ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ସେଭରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦାଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହାଉ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପିଏଜେଟ୍ସ କେମ୍ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, ଚାରିଟି ତାଙ୍କର ରହିଲା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କନସେପ୍ଟକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆସ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଯେମିତିକା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଷ୍ଟେ ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।